आज मैं विश्व की 70 महामारी और देश की 20 महामारी पर तथ्यों का आकलन कर रहा हूँ। भारत हमारे देश ने भी विश्व में महामारी का नेतृत्व किया है। ऐसे ही नेतृत्व में पोलियो पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा कर चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डोनाल्ड हेडरसन की टिप्पणी, जिस तरह भारत ने स्मॉल पॉक्स पर सफलता प्राप्त की है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून 1975 तक एशिया से चेचक खत्म हो जाएगा। विश्व संगठन के सहयोग से पोलियो का भी नियंत्रण कर लिया गया है। ठीक इसी प्रकार भारत के चीनी वायरस पर भी हम नियंत्रण करने जा रहे हैं। चीनी वायरस 19 कोई परहेज नहीं, फिर सिर्फ दो हाथ अलग रहना है और किसी भी एंटीसेप्टिक वस्तु से हाथ मुंह को साफ रखना है। बस आप सतर्क रहें, किसी से ना मिले और ना मिलने जाएं। हम माने भारत महामारी अब हम महामारी का विश्व भ्रमण करते हैं। तो चलते हैं हम विश्व, कुछ हम पीछे चलते हैं, बहुत पीछे माने बिफोर क्राइस्ट चलते हैं। 429 से 426 एथेंस में प्लेग फैला, जिससे 75,000 से 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। 165 से 180 190 बिफोर क्राइस्ट एंटोनियन एक प्लेग फैला रोमन साम्राज्य के अंतर्गत, जिसमें 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 250 से 266 साइप्रियन प्लेग यूरोप में फैला और 1 लाखों लोगों की जीवन लील गई। 541 से 542 जस्टिनियन प्लेग फैला और यूरोप और पश्चिम एशिया के 40 से 50% आबादी खत्म हो गई। 735 से 737 जापानी चेचक फैला जापान में, जिसमें 1/3 जापानी आबादी समाप्त हो गया। 1785 से 1551 स्वीटिंग सिकनेस ब्रिटेन और यूरोप महादेश में महामारी फैला, जिसमें 1 लाख से अधिक आबादी नष्ट हो गया। अब चलते हैं 15वीं और 17वीं सदी के बीच की में क्या कहां महामारी फैला और कितने लोगों की जानें चली गई। 1520 चेचक की महामारी मैकिस्को में फैला और 5 से 8 लाख लोगों की जानें चली गई, यानी 40% आबादी समाप्त हो गया। 1545 से 1548 कोकेल्ज टिल मैकिस्को में फैला और 80% आबादी समाप्त हो गई। 1563 से 1564 लंदन में प्लेग फैला और 20,100 लोगों की आबादी खत्म। 1566 से 1580 कोक्ज टिल मैकिस्को में प्लेग फैला और 50% आबादी खत्म। 1592 से 1593 माल्टा में प्लेग फैला और 3,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1582 से 1593 इंग्लैंड में माने लंदन में प्लेग फैला और 19,900 लोगों की मृत्यु। 1600 से 1620 के बीच न्यू इंग्लैंड में महामारी फैला, जो दक्षिण न्यू इंग्लैंड तक फैला, जिसमें 30 से 90% लोग काल के कवलित हो गए। 1529 से 1631 इटालियन प्लेग फैला इटली में और 280,000 लोग खत्म। 1634 ईस्वी में प्लेग महामारी फैला बॉयडॉट के लोगों में और 15,000 से 25,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 1665 से 1666 प्लेग महामारी इंग्लैंड में फैला और 1 लाख लोग समाप्त हो गए। 1668 ईस्वी में महामारी फ्रांस में फैला और 40,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1675 से 1676 माल्टा में प्लेग फैला और 11,300 लोगों की मृत्यु। 1679 में वियना में ऑस्ट्रेलिया के वियना में प्लेग फैला और 76,000 लोगों को लील गया। अब हम चलते हैं 18वीं सदी में
कहाँ कहाँ महामारी फैली और कितने लोगों की जाने गईं। 1707 से 1709 के बीच आइसलैंड में बड़ा चेचक स्मॉल पॉक्स फैला और 36% आबादी आइसलैंड की समाप्त कर दी गई। 1720 से 1722 मॉरिशस लायल फ्रांस में प्लेग फैला और 1,00,000 लोगों की जीवन खत्म। 1738 में चेचक फैला स्मॉल पॉक्स बालकांस में और 50,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1770 से 1772 ईस्वी के बीच रशियन प्लेग रशिया में फैला और 50,000 लोगों की जीवन समाप्त हो गया। 1772 में पर्शियन प्लेग पर्शिया में फैला और 2,00,000 लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई। यानी ये है महामारी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं 19वीं सदी की महामारी। 19वीं सदी की महामारी कहाँ फैला? तो 1813 से 1814 के बीच माल्टा में प्लेग फैला और 4,500 लोगों की मृत्यु हुई। 1813 में कार्जिया प्लेग फैला रोमानिया में 60,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1816 से 1826 ईस्वी में प्रथम कॉलरा महामारी फैला एशिया और यूरोप में, जिसमें 1,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1829 से 1851 द्वितीय कॉलरा महामारी फैला एशिया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें 1,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1887 से 1848 में टाइफस महामारी कनाडा में फैला, 20,000 लोगों की जाने खत्म। 1852 से 1860 ईस्वी 1852 से 1852 से 1860 ईस्वी में तृतीय कैला मतलब तीसरी बार कॉलरा महामारी फैला रूस में और 10,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1853 कॉलरा की महामारी कॉपेनहेगन डेनमार्क में फैला, 4,737 लोगों की मृत्यु हुई। 1824 ईस्वी में बड़ी गली की कॉलरा फैली इंग्लैंड में और 916 लोगों की मृत्यु हुई। तृतीय प्लेग फैला जो पूरे विश्व पर छा गया था, पूरे विश्व में फैल गया 1855 से 1960 ईस्वी के बीच। 12,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें भारत और चीन भी शामिल हुए। 1862 से 1863 महामारी फैला सेंट्रल कोस्ट ब्रिटिश कोलंबिया में, 3,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1875 से प्लेग फिजी में प्लेग फैला और 40,000 लोग को काल कल्वित कर लिया गया। 1861 से 1896 चतुर्थ कहला माने कॉलरा चौथी बार फैले भारत और जर्मनी में, जिसमें 90,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1885 से में कॉलरा फिर फैला मॉन्ट्रियल में, जिसमें 3,164 लोगों की मृत्यु हुई। 1889 से 1890 ईस्वी में विश्व में फ्लू फैला जिसके कारण 10,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। ये था 18वीं सदी। अब हम चलते हैं 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी तक। 20वीं सदी माने वर्तमान तक, 1899 से लेकर के 1923 ईस्वी में यूरोप एशिया और अफ्रीका में कॉलरा फैला और 80,00,000 लोगों की जानें चली गईं। 1910 से 1912 ईस्वी में चाइना में प्लेग फैला और 40,000 लोग चाइनीज कालकल्वित हो गए। 1915 से 1926 ईस्वी में विश्व में एलिफेंटासिस लेथर्जिक महामारी फैला, जिसमें 15,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1918 से 1920 के बीच विश्व में स्पेनिश फ्लू फैला और 17,00,000 से लेकर के 10 करोड़ लोग काल कवलित हो गए। 1857 से 1958 माने एशियन फ्लू फैला, वो विश्व में फैल गया, इसका कोई बाउंडेशन नहीं था, वो पूरे विश्व में फैल गया और 20,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1877 से 1977 में फ्लू फैला और 50 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। 1968 से 1970 के बीच विश्व में हांगकांग फ्लू फैला, यानी ये फ्लू हांगकांग से शुरुआत हुआ और विश्व में अपना पांव फैला लिया, जिसमें 10,00,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1972
से 73 के बीच लंदन में फ्लू फैला और अमेरिका पर छा गया, जिसमें 1,27 लोगों की मृत्यु हुई। 1920 ईस्वी में HIV एड्स फैला, जो विश्व पर छा गया था, विश्व को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण 3,20,00,000 लोगों की मृत्यु हुई 1920 ईस्वी में HIV एड्स के कारण। 1998 से 1999 मलेशिया निफा फैला, जिसमें 105 लोगों की मृत्यु हुई। और अब हम चलते हैं 21वीं सदी में कहां कहां और कैसे मृत्यु हुई, किसने लोग विश्व को अपने आगोश में लिया। 2006 ईस्वी में पाकिस्तान में डेंगू फैला, 2006 में पाकिस्तान में डेंगू फैला, जिसमें सिर्फ 50 लोगों की मृत्यु हुई। 2007 में इम्बोला प्लेग फैला, जिसमें कांगो में और 187 लोगों की मृत्यु हुई। 2008 से 2009 जिम्बाबियन कॉलरा फैला जिम्बाब्वे में, जिसमें 4,293 लोगों की मृत्यु हुई। अब हम 2009 से 2010 के बीच 2009 से 2010 के बीच अफ्रीकन मेनिनजाइटिस बीमारी फैला पश्चिम अफ्रीका में और 931 लोगों की मृत्यु हुई। 2009 से 2010 के बीच स्वाइन फ्लू फैला, जो विश्व को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण 15,00,000 से लेकर के 1,50,000 से लेकर के 57,575,000 लोगों को अपने आगोश में ले लिया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आकलन है, अनुमानित मृत्यु है, मृत्यु की संख्या है। 2010 में हिस्पेनोला बीमारी फैला हाइटी में, ये कॉलरा का रूप था। 2017 तक 10,075 लोगों की मृत्यु हुई। पाकिस्तान में 2011 में डेंगू फैला, जिसमें 350 लोगों की मृत्यु हुई। और डारफूर सूडान में पीत ज्वर से 2012 में 171 लोगों की मृत्यु हुई। 2012 ईस्वी मध्य पूर्व में रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2012 में मध्य पूर्व में रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस विश्व को अपने आगोश में ले लिया। यानी 2012 ईस्वी में जो कोरोना वायरस अभी हम छा गया है विश्व में, वह 2012 में भी एक बार विश्व को अपने आगोश में लिया था, यानी जिसमें 862 लोगों की मृत्यु हुई। 2013 से 2016 के बीच इबोला वायरस अफ्रीका केंद्र से शुरू हुआ और विश्व को अपने आगोश में ले लिया, जिसमें 11,300 लोगों की मृत्यु हुई। 2015 से 2016 के बीच जीका वायरस के कारण विश्व में 53 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 2016 में यमन कॉलरा यमन से शुरू हुआ, 3 नवंबर 2019 तक 3,886 लोगों की मृत्यु हुई। कीवी इबोला कांगो युगांडा में शुरू हुआ 2018 में, 20 जनवरी 2020 तक 2,253 लोग कालकलित हो गए। मिजल्स कांगो में 2019 में नवंबर 2019 तक 5,000 लोगों की मृत्यु हुई। 2019 सिमोवा से शुरू हुआ और 83 लोगों की मृत्यु हुई। डेंगू एशिया पैसिफिक लैटिन अमेरिका से शुरू हुआ 2019 में, जिसमें 2,000 लोगों की मृत्यु हुई। और वर्तमान में जनवरी मार्च 2020 अब तक कोरोना वायरस से लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ और भारत समेत सभी राष्ट्रों को अपने लपेट में लपेट लिया, और अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मृतों की संख्या विश्व में करोड़ों तक पहुंच सकता है। ये था जो जितने भी आंकड़े थे हमने विश्व में देखा, जो कि कहां कहां कैसे कैसे बीमारियां फैली और कहां से बीमारियां फैली। अब हम चलते हैं भारत अपने देश यानी भारत में अब तक कितने महामारियां हुई और कितने उसमें कितने लोगों की जाने गई। तो चलते हैं भारत
माने अपने देश। एक बार फिर विश्व महामारी तथा भारत, विश्व महामारी और भारत का हम दर्शन करते हैं। पृथक रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो भारत में 1974 में सबसे विशाल और सबसे खतरनाक भयानक रोग चेचक ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार को अपने गालों में समा लिया। इसमें सिर्फ भारत में 3 राज्यों की औसतन 15,000 लोगों की मृत्यु हुई, और विश्व की यदि यह विश्व को अब जब अपने आगोश में लिया तो पूरे विश्व में इस चेचक से 61,482 लोगों की जानें चली गई है। अब चलते हैं दक्षिण मध्य और भारत। 1994 ईस्वी में बुबेनिक प्लेग था, कुल 693 लोगों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में 488, गुजरात में 77, कर्नाटक में 46, यूपी में 10, मध्य प्रदेश में 4 और नई दिल्ली में 68 लोगों की मृत्यु हुई। बुबेनिक प्लेग दक्षिण मध्य पश्चिम भारत 1994। अब हम चलते हैं 2006 में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई डेंगू से। 2009 में 49 लोगों की मृत्यु हुई गुजरात हेपेटाइटिस से। 2014 से 2015 के बीच भारत में ही उड़ीसा जॉन्डिक्स से 36 लोगों की मृत्यु हुई। 2015 में इंडियन स्वाइन फ्लू से 2035 लोगों की मृत्यु हुई, और 2017 गोरखपुर जापानी इंसेफलाइटिस से 6 अगस्त 2017 में 64 लोगों की मृत्यु हुई। 2018 में निपाह वायरस केरल से शुरू हुआ और फरवरी 2020 में 18 लोगों की मृत्यु हुई, निपाह वायरस केरल। H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू का कहर, H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू का कहर जो मचा 2009 में समस्त भारत में फैल गया। अब समस्त भारत में कुल 1833 लोगों की मृत्यु हुई मार्च तक अमेरिका और मैक्सिको तक वह स्वाइन फ्लू अपना पांव फैला लिया। दिल्ली में 49, आंध्र प्रदेश में 102, कर्नाटक में 251, तमिलनाडु में 14, महाराष्ट्र में 937, पंजाब में 47, हरियाणा में 51, चंडीगढ़ 8, गुजरात में 488, गोवा में 6, बंगाल में 4, उत्तराखंड में 14, हिमाचल प्रदेश में 10, जेके में जम्मू कश्मीर में 4, असम में 2, मिजोरम में 1, राजस्थान में 296, उत्तर प्रदेश में 43, पांडिचेरी में 12, छत्तीसगढ़ में 14, मध्य प्रदेश में 188, उड़ीसा में 32, अंडमान निकोबार में 1, दादर नागर हवेली में 1, कुल मिलाकर इन सबको यदि जोड़ते हैं तो 2728 लोगों की मृत्यु H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू से 2009 में इतने लोगों की जानें चली गई। एशिया और अफ्रीका और चीन तक कहर किसका, वी वायरस हेपेटाइटिस का, 2,00,000 लोगों की जाने गई। PHD उड़ीसा में जॉन्डिक्स फैला 2014 ईस्वी में, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने गलतियां की। इस गलतियां में उसने गंदे पानी की सप्लाई की, जिसके कारण उड़ीसा जॉन्डिक्स फैला। ये उड़ीसा के बोलंगीर जिला के सबलपुर जिला, कटक, खुर्द और जयपुर तक अपना पांव पसारा, जिसमें 3,996 लोगों की जानें चली गईं। H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू का कहर 2015 ईस्वी में 33,000 लोगों में से 2,035 लोगों की मृत्यु हुई। राजस्थान में
418, गुजरात में 428, दिल्ली में 13, महाराष्ट्र में 394, मध्य प्रदेश 299, तेलंगाना में 75, तमिलनाडु में 14, कर्नाटक में 82, पंजाब में 53, आंध्र में 22, यूपी में 36, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में 17, गोवा में 1, जम्मू कश्मीर में 16, हिमाचल प्रदेश 20, केरल में 12, उत्तराखंड में 11, उड़ीसा में 5, बंगाल में 24, असम में 1 और मणिपुर में 2 लोगों की मृत्यु हुई। कुल मिलाकर के 2035 लोगों की मृत्यु हुई। अब 2018 में फिर निफा वायरस का कहर हुआ, जो कोझिकोड मल्लमपुर में फैला था। बुबेनिक प्लेग 1896 ईस्वी में 1900 लोगों की मृत्यु हुई बम्बई में। अब हम बम्बई का पीछे चलते हैं। बम्बई में 1896 ईस्वी में बम्बई में बुबेनिक प्लेग फैला, जिसमें 1600 लोगों की मृत्यु हुई। इसे बम्बई प्लेग के नाम से जाना जाता है। एशियाटिक कालरा कलकत्ता में 1817 ईस्वी से 1824 ईस्वी में फैला, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका में फैलाव किया। यहाँ अर्थात 1817 से 1824 ईस्वी में एशियाटिक कालरा ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका को अपने आगोश में ले लिया। 1826 से 1837 कलकत्ता में कालरा फैला, और यह कालरा भारत से एशिया, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और जापान तक फैल गया। 1863 से 1875 ईस्वी में डेल्टा, गंगा डेल्टा के क्षेत्र से कालरा शुरू हुआ, जो मध्य पूर्व से रूस, यूरोप, अमेरिका और उत्तरी कोरिया तक फैला। 1865 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में जंजीबार में केंद्र था और 70,000 लोगों की मृत्यु हुई थी कॉलरा से। 1866 रूस में 90,000 लोगों की मृत्यु हुई, और 1866 165,000 लोगों की मृत्यु हुई। हंगरी और बेल्जियम में 33,000, नैदरलैंड में 20,000 और पूर्वी लंदन में 5,596 लोगों की मृत्यु हुई इस महामारी से। और कॉलरा का मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप, रूस 1899 से 1923 ईस्वी में 800 लोगों की मृत्यु हुई। यानी ये आंकड़ा, इस आंकड़ों से हम ये कहना चाहते हैं जो कि जब महामारी का नियंत्रण शीघ्र नहीं होता है, जब महामारी फैलता है तो इसमें काफ़ी धैर्य की ज़रूरत है और सरकार तत्पर होना चाहिए। आपने, हमने जो ये आंकड़ा प्रस्तुत किया इसलिए प्रस्तुत किया कि ये जो महामारी, इन महामारियों में जो जाने गई हजारों लाखों में, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी ये दर्शाना था। जो स्वास्थ्य व्यवस्था 1974 ईस्वी भारत में चेचक के कारण हुआ था, 15,000 लोगों की मृत्यु हुई, आज भारत में फिर भी भारत 1974 से लेकर के आज तक उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर सही कदम नहीं उठाया। यदि आंकड़ा देखा जाए तो भारत में स्वास्थ्य विभाग पर जनप्रतिनिधि हो या क्षेत्रीय सरकार हो या राष्ट्रवादी सरकार हो, कोई जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर नहीं है। और जब कोई समस्या आती है तो घरेलू आंसू बहाने के लिए टीवी पर, कैमरा पर, पेपर में छा जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं इस आंकड़ों के माध्यम से, जब तक हमारी व्यवस्था, हम समाज या हम लोग सरकार को साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार जनता की समस्या को हल करने के लिए तत्पर नहीं है। 1974 की आंकड़ा और 2020 मार्च की आंकड़ा में, मार्च में आंकड़े तो बहुत कम है मार्च में कोरोना वायरस की, और हम जितने तत्पर हैं, हम सरकार के माध्यम से नहीं, हम अपने जनता के माध्यम से, जनता की सतर्कता से हम इस पर भी काबू पा लेंगे। लेकिन हमारी सरकारी व्यवस्था यही है, जो कि हॉस्पिटल में ना बेड है, ना किट्स की व्यवस्था है, ना डॉक्टर है, ना अस्पताल है, ना वहाँ पर बेड है। इसलिए इस एपिसोड से हम ये सीख देना चाहते हैं सरकार को भी और जनता को भी, सरकार उसी, वही सरकार सजग है जहाँ की जनता बोलती है।
जहां की जनता नहीं बोलती है सरकार लूट खटोस में लग जाती है, जैसे कि बिहार की 35 वर्ष की सरकार और भारत में 70 वर्ष की सरकार, पूरे जमकर लूटा लूटपाट किया है। और आज यही है जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जो भी डॉक्टर है इच्छा रहते हुए भी वो मजबूर है क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए यदि जनतांत्रिक शासन प्रणाली में हमें जनता की ख्यालों जनता की का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी नहीं, जो हम चाहते हैं सिर्फ जनता के लिए, क्योंकि यह राजतंत्र की सरकार नहीं है। आप पाँच वर्ष में नहीं करोगे तो छठम वर्ष आपको जनता फेंक देगी। धन्यवाद। शैलेश कुमार, नवसंचार समाचार.com।